नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ कुछ खास बातें शेयर करना चाहूँगा। मेरे पास हर रोज़ बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, जिसमें व्यक्ति अपना नया घर बनाना चाहता है और उसे अपना घर किस प्रकार से बनाना चाहिए, प्लॉट के अंदर बिल्डिंग किस जोन में बनानी चाहिए। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास प्लॉट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, उनको वास्तुशास्त्र के अनुसार किस प्रकार से अपने यहाँ कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास प्लॉट मीडियम साइज़ का है तो उन्हें अपने यहाँ पर किस प्रकार से एज पर वास्तु कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के पास छोटा प्लॉट है तो उसे कंस्ट्रक्शन करते समय किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताते रहता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि आपको आपकी जो समस्या है, जो परेशानी है, जो उलझन है, उस उलझन से कैसे बाहर निकालें। वास्तुशास्त्र के अपने कुछ नियम हैं, उन्हें हमें अपने यहाँ फॉलो जरूर करना चाहिए। अब कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या, मोस्टली एक दो कॉल ऐसी भी आ जाती है कि बंसल जी, हमारा काम चल रहा है और आज हमने आपकी वीडियो देखी है तो हमें पता चला कि हमें अपने यहाँ पर अब क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि मेरा घर बिना तोड़फोड़ किए सही बन जाए। क्योंकि आपका स्ट्रक्चर धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा है, कॉलम खड़े हो चुके हैं, लेकिन उसमें हम जो चीज़ें गलत है, एज पर वास्तु गलत है, उनको कैसे सही कर सकते हैं, वो भी हमें विचार कर लेना चाहिए। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। जो बात आज मैं आपको बता रहा हूँ वो है प्लॉट के अंदर बिल्डिंग किस दिशा में बनानी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मान लीजिए आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग यानी उत्तरमुखी है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने यहाँ पर मेन गेट कहाँ बनाना चाहिए। मेन गेट आपको नॉर्थ ईस्ट जोन में, यहाँ पर आप अपना मेन गेट बनाएं। सेकंड ऑप्शन में आप नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी आप अपना मेन गेट बना सकते हैं। अब आपके प्लॉट का साइज़ बहुत बड़ा है तो आपको अपने यहाँ पर जो बिल्डिंग बनानी चाहिए वो बिल्डिंग आपको चारों तरफ से ओपन रख के बनानी चाहिए। इस प्रकार से आपको अपने यहाँ पर बिल्डिंग बनानी चाहिए, यानी कि ये आपकी अपनी बनी बिल्डिंग हो गई और यहाँ पर आपका अपना ओपन एरिया हो गया। अब चारों तरफ ओपन एरिया है तो उसमें भी आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना है जो आपका साउथ में है, अगर आपने साउथ में 7 फीट का ओपन एरिया रखा है तो आपके यहाँ नॉर्थ में 7 फीट प्लस ओपन एरिया होना चाहिए। ऐसे ही आपने वेस्ट में 5 फीट का ओपन एरिया रखा है तो आपका ईस्ट में 5 फीट प्लस ओपन एरिया होना चाहिए। इस बात का आपको बिल्डिंग बनाते समय ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको एक खास बात और ध्यान रखनी है, जब आप इस प्रकार से अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर जो फर्श की ढलान होनी चाहिए वो आपकी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर जो साउथ डायरेक्शन में ओपन एरिया रखना है वो ओपन एरिया आपका साउथ वेस्ट में सबसे ऊंचा होना चाहिए और उसका सारा स्लोप आपका साउथ ईस्ट की ओर आना चाहिए। ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक आपका फ्लोर का स्लोप आना चाहिए। ऐसे ही साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक फ्लोर का स्लोप आना चाहिए और नॉर्थ वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट की ओर फ्लोर का स्लोप आना चाहिए। कुल मिला के सारा स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आना चाहिए। अब इसमें भी एक खास बात और है। खास बात क्या है, जो आपका साउथ का एरिया है ये एरिया आपका फ्लोर के लेवल में ऊंचा होना चाहिए।
वेस्ट का एरिया भी आपका फ्लोर के लेवल में ऊंचा होना चाहिए। वैसे तो जब स्लोप करेंगे तो साउथ वेस्ट ऊंचा हो जाएगा और नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिकली नीचा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि साउथ और वेस्ट का ओपन एरिया ज़्यादा ऊंचा रखेंगे तो उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है। तो इसमें आपने जो ध्यान रखना है, जो आपका साउथ का एरिया है वो साउथ ईस्ट से लेकर साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक, ये इतना एरिया आपका ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। और जो आपका अपना वेस्ट का एरिया है वो साउथ वेस्ट से बनी बिल्डिंग के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक, इस हिस्से में ये एरिया आपका ऊंचा होना चाहिए। आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उस बात पर आप गौर कीजिएगा कि मैंने आपको क्या बताया। इसमें जो साउथ का एरिया वो साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक कंप्लीट एरिया ऊंचा होना चाहिए, और वेस्ट में जो आप ऊंचा एरिया करेंगे वो साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए बनी बिल्डिंग के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक ऊंचा करना है। मतलब क्या है कि आपका साउथ का एरिया तो कंप्लीट पूरा कवर हो जाता है, फ्लोर लेवल में ऊंचा हो जाता है, और इसका जो वेस्ट का एरिया है वो बनी बिल्डिंग तक इसलिए लिया है कि जो आपका नॉर्थ का एरिया है नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट तक, ये एरिया आपका कंप्लीट पूरा का पूरा नीचा हो जाता है, जिससे एज पर वास्तु सबसे अच्छा माना जाता है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव रहा है। जो व्यक्ति इस प्रकार से बिल्डिंग बनाता है वो व्यक्ति कभी भी घाटे में नहीं जाता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसकी वर्किंग दिन प्रतिदिन बहुत अच्छी होती चली जाती है। तीसरा पॉइंट, वो व्यक्ति जो इस घर में रहता है हमेशा स्वस्थ रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और लाइफ भी सुरक्षित रहेगी। यदि आप अपने यहाँ बिल्डिंग बनाते समय ये वास्तु के नियम फॉलो कर लेते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। अब जो बातें मैंने आपको बताई ये तो बता दी आपको एक बड़े प्लॉट के अंदर इस प्रकार से सेटअप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके प्लॉट का साइज मीडियम साइज है और इसमें आपको घर बनाना है तो एज पर वास्तु आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके प्लॉट का साइज मीडियम है तो इसमें आपने साउथ साइड में ओपन एरिया कम छोड़ना है और नॉर्थ साइड में ओपन एरिया ज़्यादा छोड़ना है। यहाँ पे ये मान लीजिए आपने 5 फीट का ओपन एरिया रखा है तो यहाँ पर कम से कम आपका 7 फीट प्लस ओपन एरिया होना चाहिए। बनी बिल्डिंग आपकी बीच में बन जाएगी वेस्ट वॉल से ईस्ट वॉल तक। इसमें भी आपने जो ध्यान रखना है, जो साउथ का एरिया है साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, यहाँ का फ्लोर लेवल आपने यानी ओपन एरिया का फ्लोर लेवल ऊंचा रखना है और फ्रंट में नॉर्थ का ओपन एरिया का फ्लोर लेवल नीचा रखना है। फर्श की ढलान सेम वैसे ही रखनी है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर और यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर। बनी बिल्डिंग का भी सारा स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर रखना है। आपके प्लॉट का साइज छोटा है तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इस प्रकार से आप अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं। अब इसमें मैंने खास बात क्या बताई है, जो आपका साउथ साइड का एरिया है ओपन एरिया है उसका फ्लोर लेवल नॉर्थ के ओपन एरिया से ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। पॉइंट क्लियर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके प्लॉट का साइज छोटा है और आप इसको 100% कवर करना चाहते हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप इसमें बिल्डिंग बनाए तो वो एज पर वास्तु होनी चाहिए। आपका जो मेन गेट है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में होना चाहिए। यहाँ से आप अपने यहाँ पर घर के अंदर आएंगे। बनी हुई बिल्डिंग पूरी की पूरी चार दीवारी को टच करके बनेगी, यानी पूरी बिल्डिंग आपकी कवर हो जाएगी, पूरा प्लॉट आपका कवर हो जाएगा। इसमें वेंटिलेशन के लिए आपको कहाँ कहाँ पर स्पेस रखना चाहिए, एक तो वेंटिलेशन के लिए आप साउथ ईस्ट जोन में यहाँ पर भी स्पेस रख सकते हैं ओपन, साउथ जोन में साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर यहाँ पर भी आप ओपन स्पेस रख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, यानी जाल लगा सकते हैं। और ऐसे ही आप वेंटिलेशन के लिए स्पेस वेस्ट जोन में भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, इस कॉर्नर में कभी भी ओपन एरिया नहीं होना चाहिए।
आपने अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट जोन में ओपन एरिया रखा है तो ये मान के चलिए आप हमेशा परेशान रहेंगे। कई बार क्या होता है कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग इस तरीके से बना देते हैं और इस हिस्से को कंप्लीट ओपन रख लेते हैं, यानी ये एरिया आपका कंप्लीट बिल्डिंग का बन जाता है और साउथ वेस्ट का हिस्सा ओपन हो जाता है। और जब भी साउथ वेस्ट का हिस्सा ओपन होता है यानी साउथ वेस्ट जोन ओपन होती है तो उस घर में रहने वालों में कभी भी स्थिरता नहीं आती, हमेशा आपस में मनमुटाव होते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बने रहते हैं और कोई भी काम करते हैं तो वो काम नहीं बनता। जो ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाना चाहिए वो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे करके आ जाता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा जब आप अपनी बिल्डिंग बनाएं तो इस प्रकार से साउथ वेस्ट कॉर्नर में कभी भी ओपन एरिया ना रखें, क्योंकि हर घर के अंदर वेंटिलेशन तो बहुत ज़रूरी है, बगैर वेंटिलेशन के किसी भी घर के अंदर काम नहीं चलता। तो ऐसे में आप साउथ ईस्ट में वेंटिलेशन के लिए जाल रख सकते हैं, साउथ में जाल रख सकते हैं और आप वेस्ट जोन में जाल रख सकते हैं। वेस्ट जोन से नॉर्थ वेस्ट जोन तक आप यहाँ पर ओपन एरिया में जाल लगा सकते हैं। पूरे घर की फर्श की ढलान कंपलसरी है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर आना। और एक खास बात और बताता हूँ, आपने अपने यहाँ पर जो किचन बनानी है वो किचन आपने साउथ ईस्ट जोन में, इस जोन में आपने अपनी किचन बनानी है। साउथ ईस्ट में जाल रखते हैं तो ये मान के चलिए यहाँ पर आपकी अपनी किचन आ जाएगी और ये आपका अपना जाल आएगा, यानी यहाँ पर आप अपनी किचन बनाएंगे और यहाँ पर आप अपना जाल लगाएंगे, जिससे कि आपका वेंटिलेशन किचन का भी हो जाएगा और जो रूम आप साउथ वेस्ट में बनाएंगे उसका वेंटिलेशन भी आपका साउथ ईस्ट जोन से हो जाएगा। जो बात मैंने आपको बताई है इस बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप अपनी बिल्डिंग बनाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका घर हमेशा ही आपके लिए लाभदायक रहेगा, घर के अंदर खुशियां हमेशा बनी रहेगी और परिवार में भी बढ़ोतरी होगी, धन दौलत में भी बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी और हर प्रकार का सुख जरूर मिलेगा। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं। हमारे यहाँ जो मैप बनाए जाते हैं वो सिर्फ एज पर वास्तु ही बनाए जाते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट के लिए हमें इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें अपने यहाँ पर साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है बिल्कुल सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है और आज आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता चला है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपना घर बनाना चाहिए, तो भी आप अपनी साइट का मैप बनाकर हमसे ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अपने अनुभव का बेस्ट से बेस्ट जरूर दूं ताकि आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। मैं आपके लिए हमेशा ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है कि सही है तो आप मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई है, आप उन वीडियोज़ को भी देख के अपने यहाँ छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसे आप अच्छे तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान खुद भी कर सकते हैं। आप भी अपनी किसी साइट के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर हमसे सलाह ले सकते हैं। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।